दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक तस्कर इरशाद खान को गिरफ्तार किया है। इरशाद अपराधियों को ऑन डिमांड हथियार भी सप्लाई करने में माहिर था। यह मध्य प्रदेश के कई शहरों से हथियार लाकर धड़ल्ले से दिल्ली में सप्लाई करने में लगा हुआ था। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए इसने अपनी कार में लगे CNG सिलेंडर को खास तरीके से तैयार करा रखा था ताकि उसमें हथियार आसानी से छुपाया जा सके। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यह तस्कर गाजीपुर हाईवे पर हथियार डिलीवरी करने के लिए आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। एक एक पिस्टल ये 10 से लेके 15,000 में खरीदता है और यहाँ पे आके क्रिमिनल को 35 से लेके 40,000 पे ये यहाँ पे बेचता है। और अभी तक इसने बोला था कि इसने तकरीबन 100 के आसपास अभी तक इसने, क्योंकि ये एक साल से कर रहा है काम, तो तकरीबन 100 फायरआर्म्स इसने आगे बेच दिया था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 40 पिस्टल, 20 मैगजीन, एक कार्बाइन सहित कार भी जब्त कर ली है।